रामपुर के जिला अस्पताल में युवाओं में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह है। आज काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 400 से 500 लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की है और युवाओं को आज पहली डोज लग रही है, जिसको लेकर के युवा पहुंच रहे हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, लाइन लंबी लगी है। हर कोई चाहता है कि वैक्सीन लगाएं और कोरोना से बचें। तीसरी लहर का भी डर है लोगों को कि कहीं तीसरी लहर से अगर हमें बचना है तो वैक्सीन का ज़रूर लगवानी होगी। जो भारतीय वैक्सीन इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं स्वास्थ्य विभाग के पास, वो लोग लगवा रहे हैं। कोवैक्सीन को आज रामपुर में ज़्यादातर पहली डोज के लिए यूज़ किया जा रहा है। रामपुर ज़िले में इस समय 18 प्लस को लोगों को वैक्सीन का काम चल रहा है और आज भी मैं जिला अस्पताल रामपुर में खड़ा हूं, बड़े स्तर पर लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। हमारे साथ हैं रामपुर के CMS डॉक्टर मित्रा जी। मित्रा जी, ये बताइए कि जो आज वैक्सीनेशन काम चल रहा है जी, कितने वार्ड हैं हमारे पास, कितना बूथ बने हैं, कितने लोगों को आज वैक्सीन? हमारे पास 4 बूथ बने हैं, जिसमें एक 18 से 44 वर्ष, एक 44 से 45 वर्ष सेकेंड डोज, और पेरेंट्स स्पेशल जिनके बच्चे 12 साल छोटे हैं उनके लिए 2 बूथ अलग हैं जी। सिमर साहब, मैं ये पूछ जा रहा था कि जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं जी, क्या उनमें उत्साह दिख रहा है लगाने के लिए? हाँ, पूरा उत्साह दिख रहा है। 18 से 44 के बीच के लोगों की भीड़ ज़्यादा है क्योंकि उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, इसीलिए सभी लोग लाइन में लग के लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह की व्यवस्था की है? हमने पूरा वैक्सीनेशन का उनका इंतजाम कर दिया है, बैठने का सबका बिल्कुल नंबर से उनका रजिस्ट्रेशन होकर वहीं पे, जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा रखा है उनका कोड नंबर नोट होके तुरंत ही वैक्सीन कर रही, ऑब्जर्वेशन में 20-25 मिनट तक रख के फिर उनको घर भेज रहा है। आज कितने वैक्सीन लगेंगे, कितने लोग? आज लगभग 400 लोगों को लगनी चाहिए। भारत स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोरोना की महामारी को रोकने के लिए और भारत सरकार की गाइडलाइन को लेकर के पूरा काम करने को तैयार है। आज रामपुर जिला अस्पताल में जो बूथ बने हैं वहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, और ऐसी एक 18 प्लस की मेरे साथ महिला हैं, उनसे पूछूंगा कि आज वैक्सीनेशन लगाने आई हैं। क्या आपको कहना है? जी सर, वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है। तो आज कौन सी वैक्सीन लगाने आई हैं? कोवैक्सीन सर। पहली डोज है सर हमारी। हाँ जी सर, बिल्कुल लगवानी चाहिए, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं इनके हस्बैंड हूँ, मैं प्रशांत सक्सेना, तो वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, अगर वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे तो कोरोना जा ही नहीं सकता है। हाँ जी, लगवानी चाहिए ज़रूर, और हर सबको इसके लिए जागरूक होना चाहिए और एक दूसरे को बता के लगवानी चाहिए। गुंजन सक्सेना।